I welcome my junior students. Good morning to all of you. Today I am going to focus about your next chapter 10, which topic name is voice. आज मैं आपको voice के बारे में बताऊंगा. Voice भी होता है वाक्य. Voice जो होता है दो पार्ट में होता है. एक होता है active और एक होता है passive. Active को कर्तृवाच कहते हैं और passive को कर्मवाच. एक्टिव का जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. यदि आप इसे पैसिव में बदलना होता है तो ऑब्जेक्ट को पहले ला करके सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो वर्ब रहेगा उसके लिए हम एक्टिव वर्ब यूज करेंगे और ये वर्ब मेन वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा. और आफ्टर दैट बाई प्रीपोजिशन ऐड करने के बाद ये जो सब्जेक्ट है लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है. जैसे ही हेल्प मी, तो यहाँ पर मी है सब ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव केस में आई, आई हेल्प है परजेंट में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब आई एम, आई एम माय वर्ब क्या हो जाएगा, थ्री हेल्प है आई और ही का ऑब्जेक्ट. जैसा कि केस में हम जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, मी का और, यू का यू, ही का ही, सी का और, ई का ही, दे का देन और देन का नेम. और यदि टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वॉइस में जो होता है आठ को टेंस पढ़ना होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो वर्ब होता है V1 और V5 यदि उसे पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो उसके लिए इज आई एम आर प्लस वर्ब 3 करते हैं. जैसा कि एक एग्जांपल है ही राइट से लेटर, तो यहाँ पर लेटर है क्या सब्जेक्ट आ जाएगा पहले वर्ब पर और राइट इज V1 V5, तो यही V1 V5 पर आता है तो इसमें इज एम आर वर्ब 3 होता है. तो लेटर सिंगुलर है अतः इसके साथ इज लग गया है तो राइट का वर्ब क्या होगा रिटेल अपाई ठीका. उसी प्रकार वर्ब का चौथा रूप यानी कोई भी कंटीन्यूअस रहेगा तो उसमें डी प्लस वर्ब 3 करते हैं. जैसे आई एम हेल्पिंग हर, तो हेल्पिंग वर्ब 4 है तो यहां पर सी इज होगा हेल्पिंग के लिए बीइंग प्लस हेल्पेड बाय मी. कोई भी परफेक्ट फॉर्म जैसे हैड हैव बीन वर्ब 3 रहेगा तो इसमें सिर्फ बीन लगा सकते हैं. जैसा कि एक एग्जांपल है he has stolen my pen, तो my pen has been stolen क्योंकि इसमें been लगा करके verb 3 करते हैं. उसी प्रकार सिंपल पास्ट में चलते हैं तो verb 2 होता है तो verb 2 के लिए वाले verb 3 लिखते हैं. जैसे he ate a mango, तो ate verb 2 है तो इसी के लिए वाले verb लगाएंगे तो ate mango लिखेंगे पहले तो इसमें verb क्या हो जाएगा बाद mango सिंगुलर है तो बाद और ये ate क्या हो जाएगा verb 3 eaten. उसी प्रकार हैड रहेगा तो हैड बीन प्लस वर्ब 3 होता है और यदि फ्यूचर में होगा तो विल शैल V1 के साथ विल शैल बी प्लस वर्ब 3 करते हैं. इसे आई शैल हेल्प यू तो यू विल बी हेल्पेड बाय मी और विल हैव शैल हैव वर्ब 3 रहेगा तो हम जानते हैं हैड हैव के साथ हैड हैव हैड के साथ बीन प्लस वर्ब 3 लिखते हैं तो इसमें बीन प्लस वर्ब 3. और कोई भी मॉडल एक्जिलरी वर्ब रहेगा जैसे कैन वुड मे माइट विल वुड ये सब 10 को होता है तो उसमें बी प्लस वर्ब 3 कर देते हैं. जैसे ही कैन हेल्प मी तो आई कैन बी हेल्पेड बाय मी यानी कैन के साथ बी प्लस वर्ब 3 लगाएंगे ठीक है. तो इसमें आपको बस यही जानकारी रखना था कि कौन से वर्ब किस टेंस के अंतर्गत है तो उसमें हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ठीक है. तो आप लोग एक्सरसाइज 1 और 2 जो भी आपके किताब में इस टॉपिक से संबंधित आप उसे बनाइएगा ठीक है ना. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे यानी आप लोगों को डील करेंगे. टिल थैंक यू.